हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज अपन पढ़ेंगे एंकल क्लोनस रिफ्लेक्स के बारे में। पहले हम इसके बारे में बेसिक जान लेंगे कि क्या होता है एंकल क्लोनस रिफ्लेक्स। फिर लास्ट में मैं आपको एक डेमो वीडियो दिखाऊंगा इसका एग्जामिनेशन का, फिर आपको पूरा अच्छे से समझ आ जाएगा कि एंकल क्लोनस रिफ्लेक्स होता क्या है। सबसे पहले अपन देखते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होता है? इट इज़ अ न्यूरोलॉजिकल रिफ्लेक्स विच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाई सस्टेन्ड रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एंकल मसल इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेच। एक न्यूरोलॉजिकल रिफ्लेक्स होते हैं विच इज़ कैरेक्टराइज बाई सस्टेन्ड रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एंकल मसल इन रिस्पॉन्स टू एनी स्ट्रेच, एंड वी इंड्यूस इट बाई डॉर्सीफ्लेक्शन ऑफ फुट। डॉर्सीफ्लेक्शन ऑफ फुट मीन्स अपवर्ड मूवमेंट अपन करते हैं फुट का। इसके ग्रेडिंग है। ग्रेडिंग के इस पार्ट में तीन पार्ट में डिवाइडेड है, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। किसके बेसिस में? कितने बीट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं। तो अगर वन टू टू बीट्स अगर हो रहे हैं तो वो माइल्ड कैटेगरी में आएंगे। अगर 3 to 5 बीट्स हो रहे हैं तो वो मॉडरेट कैटेगरी में आएंगे, एंड 6+ बीट्स हो रहे हैं तो सीवियर कैटेगरी में आएंगे। यहाँ तक क्लियर है? अब अपन देखेंगे प्रोसीजर कैसे करते हैं, टेक्निक क्या अपन करते हैं पेशेंट में। तो पेशेंट को हमने सबसे पहले या तो बैठा देंगे या तो बेड पे लाई डाउन करा देंगे। उसके बाद हम लोग अपना हाथ लेंगे और स्लोली डॉर्सी फ्लेक्स करेंगे पेशेंट का फुट को। और अपने हाथ को अचानक से या फिर सडन रिलीज ऑफ डॉर्सी फ्लेक्शन, हम लोग जो डॉर्सी फ्लेक्शन किए हैं फुट का उसको हम लोग सडन रिलीज कर देंगे। उसके बाद हम लोग ऑब्जर्व करेंगे क्या क्लोनिक मूवमेंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। जो भी मूवमेंट हो रहे हैं उसको हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, हम लोग को दो टाइप का ऑब्जर्वेशन दिखेंगे, एक नॉर्मल और एबनॉर्मल। हम कैसे पहचानेंगे कौन सा नॉर्मल है और कौन सा नॉर्मल है? तो नॉर्मल रिस्पॉन्स हम लोग उसको बोलेंगे जिसमें कोई भी क्लोनिक मूवमेंट प्रेजेंट नहीं है। और हम जब जैसे हम सडन अपना हाथ उठाए तो जो एंकल है वो क्या होगा, रिटर्न बैक टू न्यूट्रल पोजीशन। जब डॉर्सीफ्लेक्शन हम लोग जब कर रहे थे तो एंकल जिस पोजीशन पर प्रेजेंट था वहाँ वो वापस आके रुक जाएगा। तो कोई भी हम लोग को क्लोनिक मूवमेंट नहीं दिखा, और डॉर्सीफ्लेक्शन करने के हटाने के बाद जो एंकल है वो वापस न्यूट्रल पोजीशन पे आ गए। तो हम लोग को अगर ये दो फाइंडिंग दिख रहे हैं तो वो क्या होगा, नॉर्मल रिस्पॉन्स है। ठीक है, एबनॉर्मल रिस्पॉन्स हम लोग किसको बोलेंगे, जिसमें सडन डॉर्सीफ्लेक्शन हटाने के बाद हम लोग को क्या दिखेगा, प्रेजेंस ऑफ क्लोनिक मूवमेंट प्रेजेंट रहेंगे और जो फुट है डज नॉट रिटर्न टू न्यूट्रल पोजीशन, वापस से अपने ओरिजिनल पोजीशन पर वो नहीं आ रहा है। ये तो कंडीशन हम लोग को बताएगा कि एंकल क्लोनस रिफ्लेक्स क्या है, वापस प्रेजेंट है। ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं कि अपर मोटर न्यूरॉन लीजन होने के ज़्यादा चांसेस हैं या फिर कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होने के चांसेस हैं। ठीक है, क्या क्या एसोसिएटेड कंडीशंस हैं जिसमें हम लोग को एंकल क्लोनस रिफ्लेक्स क्या दिखेगा, पॉजिटिव दिखेगा। ठीक है, मतलब हम लोग को एंकल क्लोनस रिफ्लेक्स हम लोगों को प्रेजेंट मिलेगा। तो क्या क्या कंडीशन है, सबसे पहला हो गया क्या, स्ट्रोक हो गए, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, पार्किंसन डिसीज, सेरिब्रल पाल्सी, ब्रेन इंजरी और पेरिफेरल न्यूरोपैथी किस केस में दिखता है, मेनली डायबिटिक के केस में मिलता है। ठीक है, समझ आ गया एंकल क्लोनस क्या होता है, कैसे उसका ग्रेडिंग करते हैं, क्या प्रोसीजर होता है, नॉर्मल रिस्पॉन्स, एबनॉर्मल रिस्पॉन्स। अब मैं आपको एक डेमो वीडियो दिखाता हूँ, आप इस वीडियो को देख के आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।